सब्सक्राइब कीजिए न्यू टेक इजी चैनल को और घंटी के आइकन को दबाइए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यू टेक इजी चैनल में। हूं शंकर, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल न्यू टेक इजी में। तो दोस्तों, हमारा चल रहा था फोटोशॉप ट्यूटोरियल, और एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका फोटोशॉप ट्यूटोरियल पार्ट 15 में, यानी 15वें अध्याय में। और हम सीख रहे थे तमाम टूल्स के बारे में, और हमने जो टूल्स बाकी सारे जो सारे टूल्स है वो सीख चुके हैं। ऊपर वाले जो आप यदि उन्हें देखना चाहते हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है फोटोशॉप के सारे ट्यूटोरियल्स की, आप फोटोशॉप की गहरी नॉलेज वहां से ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मेरे फोटोशॉप में। फोटोशॉप में हंसे हम आज सीखेंगे पेंट किट टूल और इस ग्रेड लाइन टूल को। ग्रेड लाइन टूल का यूज होता है फोटो के बैकग्राउंड पर थोड़ी सी डिजाइनिंग करने के लिए, या फिर थोड़ा सा उसमें कलर पेंट करने के लिए। वो पेंट बुके टूल का तो कलर फिल करने के लिए होता है अधिकतर, और इस ज्यादा ये कहाँ पर काम आते हैं वो एडवांस सीरीज में हम समझेंगे। अभी बेसिक सीरीज है, बेसिक बातें मैं इनकी बता रहा हूँ कि कहाँ पर इनका यूज होता है। जब एडवांस में चलेंगे तो इनका ग्राफिक डिजाइनिंग में यूज होता है। मान लीजिए कुछ बैनर का, कुछ पोस्टर वगैरह बनाने के लिए, बैनर का बैकग्राउंड बनाने के लिए इनका सबसे ज्यादा यूज होता है पेंट बुके टूल का और इस ग्रेड लाइन टूल का। ग्रेडियंट टूल का यूज आज मैं बताऊंगा कि बेसिक में क्या 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 जरूरी है हमें, वो भी मैं बताऊंगा, और एडवांस में हम चलेंगे तब इसका और ज्यादा यूजेज कैसे होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसको समझने के लिए सिंपली मैं कंट्रोल एंड फ्रेस करके न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ, और जैसे न्यू फाइल हम ओपन करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से न्यू फाइल बन के आ जाती है। इस पर हम देखेंगे कि ग्रेड लाइन टूल एक्चुअली क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है। एक्चुअली दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे आते हैं, या फिर स्वतंत्रता दिवस जो आते हैं, तो उन पर हम कई इमेजेज आपने देखी होगी कि हल्की इमेजेज होती है, मतलब तिरंगे का जो बैकग्राउंड दे दिया जाता है उनके ऊपर इमेज होती है, या फिर तिरंगे के अंदर थोड़ा सा हल्का कर दिया जाता है। इस तरह से कई इमेजेज होती है आपने देखा होगा। तो इस तरह की इमेजेस बनाने के लिए इसका यूज लिया जाता है, ताकि आप अच्छे से बना सके। तो देखिए, सिंपली ऐसे सिलेक्ट करते ही, यहाँ पर ग्रेड लाइन टूल को इस तरह से सिलेक्ट करते ही इस तरह की प्रॉपर्टीज आ जाएगी। और इस तरह की प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर मिलेगी आपको, जो ये सिलेक्ट है वो टूल मिलेगा। यहाँ पर अदर टूल भी होते हैं, तो ये वाली प्रॉपर्टी तो कुछ वर्क नहीं करेगी। यहाँ से ये वाली प्रॉपर्टीज थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा, ये अलग वर्क करती है। इसमें आप जैसे ही ओपन करोगे तो इस तरह से आपके सामने बहुत सारे पैटर्न्स बने हुए हैं। तो आप इसमें जो भी सिलेक्ट करोगे वे किस तरह से वर्क करते हैं मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये वाला हमने सिलेक्ट कर लिया, तो आप जैसे इस पर स्ट्रेट खींचोगे तो ये जो आडे कलर है वो बढ़ जाएगा, मतलब टेढ़ा होके कलर बढ़ जाएगा इस तरह से, देखिए। और जिससे आप इसे इस तरह से करोगे, इस तरह से, तो इस तरह से जो खड़ी लाइनें हैं उस तरह से कलर भरेगा। और ऐसे जैसे आप इस तरह से करते हो कॉर्नर से, तो इस तरह से कॉर्नर में कलर्स आएंगे, और आप इस तरह से करते हो तो इस तरह से आएंगे, या यदि बीच में ऐसे करते हो तो इस तरह से आएंगे। बीच वाला कलर ज्यादा आ जाएगा, दोनों तरफ ऐसे आ जाएगा रेड वगैरह, और इस तरह से ज्यादा फील होंगे, ये देखिए इस तरह से। और इस तरह से देखिए, आप इसे उल्टा सीधा कर सकते हैं। और यहाँ से आप यदि तिरंगे वगैरह का, यहाँ से आप देखेंगे इसकी जो, तो इस तरह से आप इन्हें चेंज कर सकते, मतलब यहाँ से जिसकी ऑपोजिट वगैरह वो चेंज होती है। मेरा मतलब है कि आप यहाँ से इसे गोलाई वगैरह, या फिर इसकी प्रॉपर्टीज में जो डिजाइनिंग है वो यहाँ पर है, मतलब ऐसे होता है कि यदि आप इसे रेडायल ग्रेडियंट में चेंज करते हैं तो रेडायल में इस तरह से ये जो गोलाकार होती है उस तरह से बन जाती है। देखिए, गोलाकार आकृति रेडायल में बन जाती है, जैसे कि आप इसके मीन्स यानी इसके अर्थ से ही आप देख सकते हैं इस तरह से। जैसे किसी बैकग्राउंड कई इमेजों में देखा होगा, 3D इमेज जब बनती है तो इस तरह के बैकग्राउंड उसमें दिए जाते हैं, तो वहां पर ये बहुत अच्छा वर्क करेगा। ये मान लीजिए ये सिंपल ही है, तो इसका यूज हम करेंगे जो लाइनर ग्रेड लाइन है उसका यूज करेंगे। तो देखिए इस तरह से आता है, थोड़ा सा आप डिफरेंस देख रहे होंगे इनमें। और ये तो सिंपल वाला था जो मैंने पहले बताया था, ये मैंने बता दिया है। और उसके बाद में ये जो है जिनके बारे में हम सीखेंगे वो एंगल के लिए है, एंगल ग्रेड लाइन। और इस पर जैसे मैं क्लिक करूंगा इस तरह से, देखिए एंगल में बन रहा है ये, जो बीच में आप देख रहे हो यहाँ पर, देखिए ये एंगल बनाते हुए चल रहा है। तो ऐसी डिजाइने हीरो पर ज्यादा दी जाती है, या फिर जो साड़ियाँ वगैरह है उनके कलर को चमकाने के लिए ज्यादा दी जाती है, आपने देखा भी होगा, या फिर बैनर वगैरह पोस्टर को किसी बात को स्पेशली फोकस डालने के लिए वहां पर किया जाता है, उसको गहराई देने के लिए किया जाता है। आपने बहुत सारे देखा होगा तिरंगे में भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। उसके बाद में जो
इस प्रॉपर्टीज के बारे में हमने सीख लिया। और इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो रिफ्लेक्टेड रेडलाइन प्रॉपर्टी है। इसमें रिफ्लेक्ट डालती है और कुछ नहीं करती, इसका काम रिफ्लेक्ट डालने का है। थोड़ा सा सॉरी इसको सिलेक्ट कर लेते हैं एक बार के लिए, रिफ्लेक्टेड ग्रीनलाइन प्रॉपर्टी को। तो ये थोड़ा सा देखिए, ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं है इसमें, थोड़ा सा ये फिदर देकर, थोड़ा सा ऊपर नीचे फिदर देकर ये चलती है। और ये वाली जो प्रॉपर्टी ये थोड़ी ज्यादा सी इंपॉर्टेंट है, डायमंड ग्रेडलाइन यानी डायमंड की डिजाइन को ये शो करती है। वो एंगल की कर रही थी और ये वाले डायमंड की करेगी। ये देखिए सिलेक्ट कर लेते हैं पहले, ये देखिए डायमंड में जिस तरह से होती है उस तरह से करेगी ये शो। जैसे मैं स्ट्रेट ले लेता हूँ तो इस तरह से दिखाई देगी, और इस तरह से कर लेता हूँ तो इस तरह से दिखाई देगी, और बीच में से थोड़ा सा करता हूँ तो इस तरह से आप जगह जगह इसे बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर बना लीजिए, ये थोड़ा सा बीच में कर देते हैं तो इतना सा बन जाएगा, इतना सा बन जाएगा, इतना सा बन जाएगा, इतना सा बन जाएगा। इस तरह से आप इसे बहुत अच्छी डिजाइनिंग कर सकते हैं इससे। और अब नेक्स्ट जो बात करते हैं, तिरंगे की डिजाइन कैसे बनाते हैं। तो एक बार के लिए इसे कंट्रोल एल्ट जेड कर देते हैं, सिंपली कुछ नहीं करते हैं। यहाँ से ये देखिए सारे के सारे जो है हटा देते हैं, सॉरी 50% स्ट्री रहेगी तो मैं इसे कंट्रोल सॉरी रहने देते हैं। ऐसे आप सीख सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, आपको क्लिक करना है, इतनी देर हम क्या कर रहे थे इस वाले जो यहाँ पर पॉइंट दिख रहा है इस पर ऑप्शन पर क्लिक कर रहे थे, अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यदि इसमें और लोड करने हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सैंपल पेस्टल्स मेटल्स मेटल्स टाइप के भी कर सकते हैं। तो जैसे आप ऐड करोगे तो अपेंड इस पर क्लिक करना है तो ऐड हो जाएगा। यदि आप अप्लाई पर ओके करते हो तो वो एक कलर को रिप्लेस कर देता है और वहां पर, और इस तरह से आप देख सकते हो मेटल टाइप में हो जाएगा। ये देखिए मेटल टाइप में जो काफी बेहतरीन डिजाइन आप देखने को मिल सकती है आपको। ये ग्राफिक डिजाइन में ज्यादा यूज होते हैं एक्चुअली। और ये मान लीजिए ये वाला कलर है, अब इसको हमें चेंज करना है तो सिंपली यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। इस तरह का आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो आप जैसे यहाँ से देखिए कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कलर चेंज करना है तो यहाँ पर आप सिंपली देखेंगे कि रेड ब्लू, और ये जो रेड ब्लू वो है यहाँ पर इतने कलरों से मिलकर ये बना हुआ है। और यहाँ पर इस तरह से लोड, यहाँ से आप न्यू भी बना सकते हैं, नया अपने हिसाब से जो लेना हो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो। इस तरह से जो आपको कलर लेना हो वो ले सकते हो। यहाँ से आप कलर पर क्लिक करोगे और यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। जैसे पहले मैं ले लेता हूँ जो हमें चाहिए केसरिया कलर, थोड़ा ले लेता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर हमें केसरिया कलर लेना है यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ वाले को हम ओपन रखते हैं और यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं केसरिया कलर। केसरिया कलर थोड़ा नीचे मिलेगा तो हम यहाँ पर जाकर देखिए थोड़ा केसरिया ले लेते हैं, थोड़ा सा वो ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ से मैंने ले लिया। और बीच में जो हमें व्हाइट कलर देना है मान लीजिए, तो हमें बीच में ग्रेड लाइन को लेना है और इस ऊपर वाले को हम बीच में लेकर आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर बीच में ले लेते हैं और अब यहाँ से इसका कलर चेंज करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर जीरो आ रहा है, सबसे पहले हमें इसकी ओपेसिटी है जो है थोड़ी सी चेंज करनी होगी। ओपेसिटी आप चाहे अपने अनुसार 100% रखी जाती है, पर आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं यदि आप ज्यादा डिजाइनिंग इसमें डालना चाहते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, ये दूसरा कलर है यहाँ से। तो तीनों कलर जैसे चेंज करेंगे तो आपके सामने बैकग्राउंड पर कलर आ जाएगा कि आपको किस तरह से चेंज करना है। तो आप वहां से इसको कलर को चेंज करोगे और बैकग्राउंड में जैसा आप चाहोगे वैसा कलर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर ब्लू है, इस तरह से चेंज करना है, पहले ही मैंने बता दिया। अभी अभी इस तरह से यहाँ पर ये कलर चेंज कर देना है। यहाँ पर इस रेड वाले पर क्लिक करोगे तो यहाँ से व्हाइट कलर चेंज कर देना है हमें। सिंपली व्हाइट कलर लाने के लिए यहाँ पर कॉर्नर पर क्लिक कीजिए, ये व्हाइट कलर आ गया। और सिंपली लास्ट वाला कलर जो है हम ग्रीन कर लेते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे या तो यहाँ पर डबल क्लिक कर दीजिए या फिर यहाँ पर कलर पर आप क्लिक कर दीजिए, लास्ट में ग्रीन कलर चाहिए मान लीजिए, और ये ग्रीन कलर हमने ले लिया। ये देखिए तिरंगे स्टाइल में हो चुका है। और सिंपली कुछ नहीं करना, ओके पर क्लिक कर दीजिए। ओके पर जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर आप देखेंगे तिरंगे के स्टाइल में आ चुका। अब इस पर क्या करना है, स्ट्रेट हमें लेना है। यदि आप ये देखिए इस तरह से ले लीजिए तो ये तिरंगे की स्टाइल में बिल्कुल आएगा आपके सामने, फोकस करके बिल्कुल तिरंगे की स्टाइल में आएगा। और आप इस तरह से लेते हैं तो इस तरह से आएगा। अब तिरंगे का जो कलर है आप देख रहे होंगे मिक्स होके आ चुका है। यदि आप यहाँ से बिल्कुल जो है थोड़ा सा अलग लेना चाहते हैं तो पैटर्न थोड़ा अलग सिलेक्ट करें और यहाँ से जो इसकी ओपेसिटी वगैरह वो बढ़ाकर देख लीजिए। और आप ज्यादा से ज्यादा कर कर प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा, आप इससे भी बेहतरीन डिजाइन बना सकते हैं, मुझसे भी बेहतरीन डिजाइन आप बना पाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही इजी है। तो आप ये तो बना लेंगे आसानी से और इस पर कोई इमेज लगा देंगे। थोड़ी सी आपको मैं बता देता हूँ इमेज लगाकर, मान लीजिए कोई इमेज मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने इस इमेज में, यहाँ से मैंने कोई इमेज ओपन की, मान लीजिए ये वाली मैंने इमेज ओपन की, ये वॉलपेपर वाली मैंने इमेज ओपन कर ली, ये वाली यहाँ से।
ये वाली इमेज जैसे मैं ओपन करता हूँ, सिंपली कुछ नहीं करना, आपको इस इमेज के ऊपर जो है स्ट्रेट लेना है, जो आपने अभी लिया था वो वाला स्ट्रेट लेना है, इस तरह से लेना है, तो पूरा कलर हो गया। यहाँ से आप जैसे ओपेसिटी कम करेंगे तो वो थोड़ी हल्की इमेज दिखाई देने लग जाएगी। ये देखिए, सॉरी, ये ओपेसिटी पर आपको डिपेंड करेगा कि आपको किस तरह से वो इमेज आपको देखनी है। तो सबसे पहले मैं कंट्रोल एल्ट जेड कर देता हूँ। ये देखिए, इस इमेज को आपको थोड़ा सा हल्का करना है, मान लीजिए, तो इस इमेज को कुछ नहीं करना, इस मूविंग टूल को उठाकर जो इमेज आपने बनाई थी उस पर लेकर चले जाइए इस तरह से, और इस तरह से आप इसको रिसाइज कर लीजिए। कंट्रोल माइनस करके पहले इसकी साइजिंग को देख लेते हैं, और यहाँ से इसको रिसाइज कर लीजिए। ये मान लीजिए हमें इतना ही जो है इसे बनाना है, इतना ही हमें इसे बनाना है, तो एंटर कर दीजिए और इसको कंट्रोल प्लस कर दीजिए। और यहाँ से आपको कुछ नहीं करना होगा, सिंपली आप एंटर बटन पर क्लिक कर लीजिए। एंटर पर क्लिक करते ही आपको कुछ नहीं करना, नंबर लॉक उससे हाइड आपको करना है। ये बहुत ही अच्छा वे है। ये देखिए, एक दबाओगे तो आप इतना डी हाइड हो जाएगा, दो दबाओगे तो इतना, तीन दबाओगे तो इतना, फोर दबाओगे थोड़ा ज्यादा, फाइव दबाओगे थोड़ा सा ज्यादा, सिक्स दबाओगे तो थोड़ा और ज्यादा, सेवन दबाओगे थोड़ा और ज्यादा, एट दबाओगे तो थोड़ा और ज्यादा, नाइन दबाओगे तो पूरा क्लियर आ जाएगा। और तो आप एक दबा कर देख सकते हैं, दो दबा कर देख सकते हैं, तीन दबा कर देख सकते हैं, चार, पांच, छह, इस तरह से जैसे जैसे आप नंबर्स बढ़ाते जाओगे उस तरह से हाइड होता जाएगा। ये भी हाइड करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। आप इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करो तो इस तरह से आप अपनी इमेजेस बना सकते हो, इस तरह से आपने देखा भी होगा बहुत सारी इमेजों में। तो चलिए दोस्तों, अब सीख लेते हैं पेंट बुकेट टूल के बारे में। पेंट बुकेट टूल एक्चुअली क्या करता है, ये वाला पेंट बुकेट टूल इससे सिर्फ कलर फिल करने का कार्य करता है। हालांकि इसका थोड़ा और ज्यादा वर्क है जो एडवांस लेवल में समझा जा सकता है, यहाँ पर आप बेसिक समझ लीजिए। ये मान लीजिए इसमें कोई कलर बनना है तो ये क्या करता है, एक कलर को सिलेक्ट कर लेता है। मान लीजिए आपकी पिक्चर व्हाइट है, पूरी व्हाइट है, उसका जो कलर है वो ब्लू कर देगा, क्योंकि यहाँ पर फोर बैकग्राउंड कलर में क्या है, ब्लू कलर है, तो उस पूरी व्हाइट का ब्लू कर देगा। रीजन इसका ये होता है क्योंकि उसने पूरी बैकग्राउंड में एक ही कलर देखा है व्हाइट, उस व्हाइट को पकड़ लिया और उसको रिप्लेस कर दिया। यदि आपके बैकग्राउंड में ब्लू और व्हाइट दो पहले से है तो ये व्हाइट वाली, यदि आपने ब्लू पर किया है तो ब्लू को रिप्लेस करेगा, यदि व्हाइट पर किया है तो सिर्फ व्हाइट व्हाइट वाले को रिप्लेस करेगा, पूरी इमेज को नहीं करेगा। देखिए मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे इस ग्रीन कलर को रिप्लेस करना है तो ग्रीन ग्रीन पर इफेक्ट डालेगा। ये देखिए, पूरे पर इफेक्ट नहीं डाल पाएगा। यहाँ पर देखिए, पूरे चेहरे पर एक सा कलर मिला है तो ये पूरे पर इफेक्ट नहीं डाल पा रहा है। इस तरह से था इसका वर्क। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं इस टूल के बारे में, बुलर टूल, और जो इसके प्रॉपर्टीज में अन्य टूल है उनके बारे में सीखेंगे। अभी के लिए इतना ही वो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए अलग से वीडियो बनाना जरूरी था क्योंकि ग्राफिक्स डिजाइन में वर्किंग है, कुछ वीडियो छोटे बनते जा रहे हैं क्योंकि जो बात इंपॉर्टेंट है मैं उनके लिए अलग ही वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप अच्छे से उनको शो करवा सके, देख सके, अच्छे से पता लगा सके। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।